हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं अगस्त के जो बेस्ट 200 क्वेश्चन हैं उनका भाग एक लेकर आऊँगा। सो ये वीडियो दो पार्ट्स में कवर होगा। जो पहला पार्ट है उसमें 1 से 15 अगस्त के होंगे, तो इस वाले वीडियो में 1 से 15 अगस्त के बेस्ट 100 क्वेश्चन और बचे हुए 100 15 से 31 अगस्त के, और ये 31 तारीख को आएगा ये वाला वीडियो। सो आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में बचे हुए 100। ये हैं अगस्त के बेस्ट 200 क्वेश्चन। ये वीडियो जो है ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि जो स्क्रीन पर लिखी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी और बोलने वाली लैंग्वेज हिंदी होगी। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। मैं लाइव आता हूं यहां पे कई बार और आपके क्वेरीज भी आंसर करता हूं। और आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू की जो सेल है, हमारे बहुत सारे पेन ड्राइव कोर्स उपलब्ध हैं विभिन्न एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, बैंक पीओ, रेलवेज, यूजीसी नेट, बोथ पेपर वन पेपर टू, डिफेंस एग्जाम इत्यादि। अगर कोई भी आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। हमारी जो सेल है 31 अगस्त तक रहेगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं डेली के, जो मेरी सीरीज आती है डेली करंट अफेयर, उसमें कवर करता हूं। लेकिन एक बार क्विक रिविजन के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होता है एग्जाम में, और इसीलिए इसमें जो समझाने की स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई है IRDAI, जिसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। इसमें जो भी मैं अतिरिक्त ज्ञान आपको देता चलूं वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए लाभप्रद होता है। सो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। इन्होंने एक कमेटी बनाई है जो थर्ड पार्टी मोटर कवर कॉस्ट को रिव्यू करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे PJ जोसेफ। कुछ और कमेटी आपको बताता हूँ लेटेस्ट जो एग्जाम में आ सकती हैं। इंजेती श्रीनिवास कमेटी, जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें जो पीनल प्रोविजन है यानी सजा देने के प्रावधान, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, इसके लिए बनी। जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी बनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए, हम अपना डेटा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राजीव गाबा कमेटी, ये बनी मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। राजीव गाबा जो हैं हमारे होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव हैं। सुनील मेहता कमेटी जो है, सुनील मेहता गैर कार्यकारी चेयरमैन है पंजाब नेशनल बैंक के। सो ये जो कमेटी बनी थी ये इसलिए बनी थी कि जो बैंक है उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने एक पंच बिंदु फॉर्मूला दिया है, 5-point फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट सशक्त। एन गोपाला स्वामी कमेटी जो है, इसने इसका काम यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, भारत के कुछ सरकारी और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर किया गया, तो 20 करने हैं इन्हें और इन्होंने 6 अभी डिक्लेयर किए हैं। HRD मंत्रालय ने जो 6 इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किए हैं IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, वो इन्हीं के कहने पे किए हैं। उनमें जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी था, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, GO यूनिवर्सिटी था, बिट्स था, और 3 सरकारी थे, ये 3 प्राइवेट हैं। 3 सरकारी वाले थे IIT मुंबई, IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अजीत डोभाल, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम है जॉन बोल्टन। इसके अलावा राजेश बिंदल कमेटी बनी कि जो इंटर कंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू पेरेंटल डिस्प्यूट, अगर पेरेंटल डिस्प्यूट है कोई तो उनमें बच्चा जो है वो किसके पास रहेगा, खासकर अगर ये अंतर्राष्ट्रीय हो, और ये फॉलो करते हैं हैग कन्वेंशन, HAGUE, जो इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है बच्चों का, उसके लिए हैग कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, उस पर राजेश बिंदल कमेटी बनी थी। VK अग्निहोत्री कमेटी बनी कि राज्यसभा में जो डे टू डे वर्किंग है उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसके लिए VK अग्निहोत्री कमेटी बनाई थी हमारे राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने। जयंत सिन्हा कमेटी ये बनी कि हम भारत में जो अनमैंड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रोन्स इत्यादि, हम उनका विकास कैसे कर सकते हैं। और मनमोहन जुनेजा कमेटी बनी कंपनीज एक्ट में जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR प्रोविजन है, उनको हम कैसे लागू कर सकते हैं। इसके अलावा एक कमेटी और याद रखिए, YM देवस्थली कमेटी, जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री सिस्टम बनाया है RBI ने, जिसके तहत भारत में अगर कोई भी लोन लेगा व्यक्ति तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रखी जाएगी, ये YM देवस्थली कमेटी के कहने पे बनाया है। इनमें से कौन सा राज्य है जो एक गऊ अभ्यारण्य यानी काउ सेंचुरी बनाएगा? ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जिसमें सिर्फ काउ रखे जाएंगे, ये बनेगा बीकानेर में, और बीकानेर में एक नंदीशाला भी बनेगी बैलों के लिए, नंदीशाला, तो दोनों बीकानेर यानी राजस्थान, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। हमारे तेल और गैस मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आधारशिला रखी, एक परमानेंट कैंपस बन रहा है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, ये पहला है भारत में, पहला स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ महिलाओं के लिए, ये कहाँ पे बन रहा है,
ये बन रहा है मोहाली में, मोहाली। एक हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी बनी है जिसका काम ये चेक करना है कि जो हमारे ताप संयंत्र हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उनमें स्ट्रेस्ड एसेट इतने ज़्यादा क्यों हैं, यानी जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें क्या कमियां हैं और उनको कैसे ठीक किया जाए। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे पी के सिन्हा, ये हमारे कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं पी के सिन्हा। और आपको बता दूं, एक कमेटी और बनी है और उसके चेयरमैन भी पी के सिन्हा हैं। उस कमेटी का काम यह है कि भारत इम्पोर्ट्स पर यानी आयात पर इतना निर्भर क्यों है, उसको कम करना। जैसे तेल, गैस, सोना, गोल्ड वगैरह ये हम खरीदते हैं तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो कमेटी बनी है इम्पोर्ट्स कम करने के लिए, वो भी पी के सिन्हा कमेटी है। और थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो स्ट्रेस्ड हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनके इश्यूज, उसके लिए जो कमेटी है वो भी पी के सिन्हा कमेटी है। कौन सा राज्य है जहां पे एक प्रणाम कानून आया है जिसका नाम है प्रणाम? इसमें यह है कि अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते या अपने रिलेटिव्स का ख्याल नहीं रखते तो आपकी सैलरी में से 10% कटेगा। ये करा है असम ने, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से कौन सी असमीज फिल्म है जिसने 3 टॉप अवार्ड जीते, थर्ड लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में, ये लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल भी इसे बोलते हैं। ये लॉस एंजलिस नाम की जगह पे है जहाँ पे 2028 के ओलंपिक गेम भी खेले जाएंगे लॉस एंजलिस शहर में। इस असामी भाषा का फिल्म का नाम क्या है? इसका नाम है जोई होबोट धेमलिट, जोई होबोट धेमलिट। और इस साल जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था नेशनल अवार्ड्स में, वो मिला था असम की फिल्म थी वो भी, उसका नाम था विलेज रॉकस्टार्स, ये भी याद रखिए। और विलेज रॉकस्टार्स को डायरेक्ट करा है रीमा दास ने, रीमा दास। बेस्ट फीचर फिल्म नेशनल अवार्ड्स में थी विलेज रॉकस्टार, ये भी असमी भाषा की फिल्म थी। कुछ कुछ मैं तथ्य और आपको बीच में देता चलूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। अगर पूछें कि व्हाट्सएप कंपनी किसने शुरू की थी, व्हाट्सएप कंपनी के फाउंडर कौन थे, दो लोग थे, एक तो ब्रायन एक्टन, अच्छे से याद होने चाहिए बिजनेस जीके में आपको, और दूसरे जैन कूम, जैन कूम। ब्रायन एक्टन और जैन कूम ने कंपनी मिलकर शुरू की थी व्हाट्सएप। और इंस्टाग्राम किसने शुरू की थी? इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद रखा है और व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने खरीद रखा है, दोनों कंपनी को फेसबुक ने खरीद लिया था बाद में। इंस्टाग्राम स्टार्ट करी थी केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। टॉल डे फ्रांस का खिताब किसने जीता? जो साइकिल चलाने वाली प्रतियोगिता है सबसे प्रतिष्ठित दुनिया की, उसको बोलते हैं टॉल डे फ्रांस। इसको जीता जेरेंट थॉमस ने, जेरेंट थॉमस ब्रिटेन के हैं, यूके। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने वन क्रॉप लोन पर फैमिली माफ करने की योजना बनाई है, यानी एक परिवार का एक एग्रीकल्चर लोन माफ कर देंगे 2,00,000 रुपये तक, ये योजना शुरू करी कर्नाटक की सरकार ने। टोटल 48,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करेगी कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने थे एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक के 3 डैम यानी बांध बहुत पूछते हैं एग्जाम में, एक तो है अलमाटी बांध, एक है तुंगाभद्रा बांध और एक है कृष्णराज सागर बांध। अलमाटी बांध, तुंगाभद्रा बांध और कृष्णराज सागर बांध। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसे बोलते हैं CRIF, जो सड़कें और हमारी आधारिक संरचना बनाने के काम आता है, ये पहले नागरिक परिवहन मंत्रालय के अधीन आता था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन आता था, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब ये कौन से मंत्रालय के अधीन आएगा? इसको शिफ्ट कर दिया है पूरे CRIF को, अब ये वित्त मंत्रालय के अधीन आएगा। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता दूं 5 इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जो आपको पता होने चाहिए। हमारे जो वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी वो हैं हसमुख अधिया, डिफेंस सेक्रेटरी हैं संजय मित्रा, विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय केशव गोखले, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं प्रदीप कुमार सिन्हा और गृह सचिव होम सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा। कौन से कंट्री में 3रा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ? ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग और ब्रिक्स समिट सबके सब हुए इस बार साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो मुद्रा चलती है, करेंसी, वो है रैंड। और साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। ये जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला न्यूटन को, इसको डायरेक्ट करा है अमित मसूरकर ने, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला भनीता दास को विलेज रॉकस्टार्स फिल्म में, जिन्होंने काम किया है। इसके अलावा हमारी जो नेवी होती है उसकी 3 कमांड होती हैं, याद रखिए, वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय मुंबई है, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम को विजैग भी बोलते हैं, और सदर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय कोचीन है। एक बंगाली लेखक, मशहूर बंगाली लेखक, उनका निधन हो गया अभी, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था अभिमन्यु,
और इस अभिमन्यु उपन्यास के ऊपर एक फिल्म बनी थी, एक डॉक्टर की मौत। क्या नाम था इनका? ये बंगाली लेखक थे, इनका नाम था रामपत चौधरी। इनमें से राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इस साल के लिए किसे दिया गया है? यह दिया गया है पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को। और आपको बता दूं, 20 अगस्त का जो दिन होता है ये, इसको हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं या नेशनल हारमनी डे के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल हारमनी डे, हिंदी में सद्भावना दिवस। ये राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। ये वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। और 19 नवंबर जो इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन होता है, इसको हम नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाते हैं। कौन सा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? इससे जो स्कैन डॉक्यूमेंट है उनको भी एडिट किया जा सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है ई अक्षरायणा। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारे आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इनमें से कौन से भारतीय मूल के अमरीकी व्यक्ति हैं? एक फीमेल हैं। इन्हें डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी का सीईओ बनाया गया है। अमेरिका में दो ही मुख्य पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी थी बिल क्लिंटन और ओबामा की, जो अभी ऑपोजिशन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। इनका नाम है सीमा नंदा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संचार क्रांति योजना का लॉन्च कौन से राज्य में किया? इसके तहत फ्री मोबाइल फोन बांटे जाएंगे 50 लाख लड़कियों को और महिलाओं को, और इस स्कीम का नाम होगा मोबाइल तिहार। जब मोबाइल तिहार स्कीम लॉन्च की गई तो वहां पे कंगना रनौत भी मौजूद थी। ये राज्य है छत्तीसगढ़। संचार क्रांति योजना, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, और इन्होंने डिसाइड करा है नया रायपुर को अब कहा जाएगा अटल नगर। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका देहांत हो गया, उनके नाम पे नया रायपुर का नाम होगा अटल नगर। वैज्ञानिकों ने जो हमारी मानव कोशिकाएं हैं, ह्यूमन सेल्स, उसकी एक नई शेप खोजी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है स्कुटॉयड। और सेल्स का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक। उड़ीसा की सरकार एक नदी बंदरगाह बना रही है, रिवराइन पोर्ट बना रही है केंद्रपारा जिले में। ये कौन सी नदी पे बनेगा? ये बनेगा महानदी पे। इसके अलावा उड़ीसा की सरकार ने एक गुरुप्रिय नाम का सेतु वो भी बनाया है, और ये मलकानगिरी में बनाया है, मलकानगिरी जिले में। भारत की यूएन ई गवर्नमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है? यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स, जो ये बताता है कि कौन से देश की सरकार शासन के लिए डिजिटल फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रही है, हमारी रैंक है 96। नंबर 1 है इसमें डेनमार्क, नंबर 2 है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता दूं यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट चीफ। यूनिसेफ के चीफ हैं हेनरिएटा फोर। यूनेस्को की चीफ हैं ऑड्री अजोले, ये फ्रांस की हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, और यूनाइटेड नेशंस का भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं टेड्रोस अधानोम, ये इथोपिया के हैं। भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन, और जो परमानेंट डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं तन्मय लाल। उन फिल्म निर्माता निदेशक का क्या नाम है जो FTII के पूर्व डायरेक्टर थे और उनका निधन हो गया? अभी FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अनुपम खेर, और जिनका देहांत हुआ है उनका नाम था जॉन शंकर मंगलम। और आपको बता दूं हमारे जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं इस वक्त, वो हैं प्रसून जोशी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स के नाम बताता हूं, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर जिनके नाम आपको याद रखने हैं वो हैं सिर्फ 7। मनिका बत्रा, कॉमनवेल्थ में जबरदस्त प्रदर्शन किया था इन्होंने, और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल सबसे ज्यादा मनिका बत्रा ने जीते थे। मोहम्मद दास, सुतीर्थ मुखर्जी, मधुरिका पाटकर, पूजा सहस्त्रबुद्धि, शरद अचंता और जी सातियान, ये हैं भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी। कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने 1000 टेस्ट मैच खेले हैं? ये देश है इंग्लैंड। और दुनिया का पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और दुनिया का पहला वनडे मैच भी खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो दुनिया का पहला मैच कौन सा था टेस्ट के वनडे? तो ऑफकोर्स पहला टेस्ट मैच था, और वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। अभी अभी यूनाइटेड नेशंस ने कौन सा ऐसा क्लब है, फुटबॉल क्लब, जिसे पहला कार्बन टटस यानी कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फुटबॉल क्लब, ये पहला तटस्थ कार्बन फुटबॉल क्लब है, इसका नाम है फॉरेस्ट ग्रीन रोवर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने आई हब यानी इंटेलिजेंट हब
ये एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, उसको स्थापना करने का अनाउंस करा है। आई हब कौन बना रहा है? ये बना रहा है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ही एक बहुत बड़ी गेमिंग यूनिवर्सिटी बना रहा है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूनेस्को के साथ मिलकर गेमिंग यूनिवर्सिटी बना रहा है आंध्र प्रदेश। तो आई हब भी बना रहा है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा एक टी हब है और एक वी हब है, इन दोनों को बना रहा है तेलंगाना। कुछ आपको मिशन बताता हूँ पानी बचाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मिशन भागीरथ और मिशन काकाटिया, ये दोनों चल रहे हैं तेलंगाना में। सुलभ जल योजना चल रही है बिहार में। जल स्वावलंबन स्कीम राजस्थान में। सुलभ जल योजना जो है, बहुत सस्ता पानी मिलता है इसमें, 1 लीटर पानी 50 पैसे का। ये बिहार में सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा चल रहा है, जिसके फाउंडर हैं, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। नल जल योजना चल रही है मध्य प्रदेश में। अटल भूजल योजना भारत के 7 राज्यों में चल रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, और 115 जो हमारे आकांक्षी जिले हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के, उनमें चल रही है स्वजल योजना। इसे स्वच्छता और शीतल पेय मंत्रालय चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसकी मंत्री है उमा भारती, और उमा भारती ने गोबरधन योजना जो है केंद्र सरकार की, उसको लॉन्च करा था करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल हरियाणा में है। करनाल को ही कल्पना चावला का शहर बोलते हैं, वहां पे कल्पना चावला का जन्म हुआ था। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने जो LIC है वो IDBI बैंक को खरीद रही है। कितना हिस्सा खरीद रही है? उसको अप्रूवल दे दिया है। LIC IDBI बैंक में 51% हिस्सा खरीद रही है। IDBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं बी श्रीराम, और LIC के चेयरमैन हैं VK शर्मा। इसके अलावा आपको बता दूं, IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट, ये आपस में इनका मर्जर हो रहा है, विलय हो रहा है। इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल, इनका आपस में मर्जर हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। NTPC NHPC में हिस्सा खरीद रहा है लगभग 70% से ज़्यादा, और ONGC HPCL में, ONGC जो है वो HPCL को खरीद रहा है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम खरीद रहा है मैंगलुरु रिफाइनरी को, MR मैंगलुरु रिफाइनरी को। मेंस इंडिविजुअल इवेंट वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जो हुई, ये भारत में हुई चेन्नई में, ये किसने जीता? मेंस और वुमेन दोनों इवेंट जीते इजिप्ट के खिलाड़ियों ने, तो मेंस वाला जीता मुस्तफ़ा असाल ने। मुस्तफ़ा असाल मैन सेक्शन में जीता, और रोवन LRB ये वुमेन है। यहाँ आप दोनों की फोटो देख सकते हैं, दोनों इजिप्ट के खिलाड़ी हैं, और ये चेन्नई में आयोजित हुई थी। इसके अलावा भारत के कुछ स्क्वाश खिलाड़ी जो आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये भी सिर्फ 6 हैं, ये सिर्फ दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल, जोशना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधु, महेश मंगावकर और रमित टंडन, इन 6 के नाम याद रखने हैं। सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधु, महेश मंगावकर और रमित टंडन। इसके अलावा फॉर्मूला 1 के खिलाड़ी कौन कौन से हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं और कौन सी कंट्री के हैं? लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज जर्मनी की कंपनी है, और लुइस हैमिल्टन है यूनाइटेड किंगडम के। सेबेस्टियन वेटल फरारी चलाते हैं, फरारी इटली की कंपनी है और ये जर्मनी के हैं। किमी रैकनन फिनलैंड के हैं, फरारी गाड़ी चलाते हैं। डेनियल रिकियाडो रेडबुल और ऑस्ट्रेलिया के हैं। वल्तारी बोतास मर्सिडीज और ये फिनलैंड के हैं। कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जिसने केंद्र सरकार की बायोफ्यूल नीति अपना ली है? बायोफ्यूल नीति के तहत जो बायोडीजल है उसे पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा, जिससे हमारी पेट्रोल पर निर्भरता कम हो, तो ये है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बना जिसने बायोफ्यूल पॉलिसी अपनाई। एक वेबसाइट, एक पोर्टल बना है, डेडिकेटेड पोर्टल, जो कार्गो ओनर्स को शिपर्स से कनेक्ट करेगा आपस में। इसको इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है फोकल, FOCAL, फोकल। फोकल की फुल फॉर्म है फोरम ऑफ कार्गो ओनर्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स। श्रीपद येस्सो नायक जो हमारे आयुष मंत्री हैं, इन्होंने आधारशिला रखी, नींव रखी नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी। ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है मेघालय की राजधानी शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और ये शिलोंग जो है ये भारत का सोवा स्मार्ट सिटी बन रहा है। कौन से भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया के गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज फॉर मैथ बोलते हैं, फील्ड्स मेडल वो मिला है? मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, लेकिन फील्ड्स मेडल इतना बड़ा है कि इसे नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स बोलते हैं। ये मिला अक्षय वेंकटेश को। भारत और थाईलैंड ने एक युद्ध अभ्यास किया दूसरे हफ्ते अगस्त के, उसमें इसका नाम क्या था? इसका नाम था मैत्री। अजय वॉरियर होती है UK के साथ, हैंड इन हैंड चाइना और भारत करते हैं, हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ। और भारत ने बिम्स्टेक जो देश हैं उसमें भी अभ्यास किया था, बिम्स्टेक के बाकी देशों के साथ। भारत भी बिम्स्टेक का मेंबर है, और
इनकी जो पहली एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी पुणे में। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन यानी सबसे उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार किसे मिला है 2017 के लिए, ये बीजू जनता दल पार्टी के हैं, इनका नाम है भर्तृहरि महताब। बीजेडी जो पार्टी है ये ओडिशा में रूलिंग पार्टी है। ये अवार्ड 1992 में स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट किया था शिवराज पाटिल ने जो उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे, अभी लोकसभा की स्पीकर है सुमित्रा महाजन और ये इंदौर से लोकसभा सांसद हैं। 2016 के लिए पुरस्कार मिला था ये लोकसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, 2015 के लिए राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, 2014 के लिए मिला था लोकसभा सांसद हुकुम देव नारायण यादव और 2013 के लिए राज्यसभा सांसद नजमा अब्दुल्ला। भर्तृहरि महताब जो है ये चुनाव लड़ते हैं कटक उड़ीसा से, हुकुम देव नारायण यादव लड़ते हैं मधुबनी बिहार से और दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर वेस्ट बंगाल से। दुनिया का पहला रोबोट कौन सा है जो हिंदी बोलेगा? ये रोबोट है रश्मि। रश्मि इसको बनाया है रांची के रंजीत श्रीवास्तव ने, इसका प्राइस है 50,000 रुपये। अभी अभी कृष्णा कुटीर बना है, ये विधवाओं के लिए सबसे बड़ा गृह है जो बना है भारत में। कृष्णा कुटीर ये कहाँ बना है? ये बना है वृंदावन उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन से मंत्रालय ने सोलर चरखा मिशन शुरू करा है? सोलर चरखा मिशन ये जो आर्टिजान्स हैं उनके लिए किया है, जो हमारे आर्टिजान्स हैं, तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने कौन सी योजना शुरू करी है जिसका जो भार होगा वो आर्थिक भार वो होगा 325 करोड़ रुपये? इसका नाम है सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना में जो लंगर वगैरह होते हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में प्रसाद मिलता है उस पर IGST और CGST नहीं लगेगा। कौन से राज्य की सरकार है जिसने योगा को अनिवार्य कर दिया है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में योगा सिखाया जाएगा? ये डिसीजन लिया कर्नाटक की सरकार ने। विराट कोहली 7,000 रन बतौर कप्तान सबसे जल्दी बनाए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी इनका रिकॉर्ड तोड़ा सबसे कम मैचों में बतौर कप्तान 7,000 रन बनाने का। जिम्बाब्वे में चुनाव हुए, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, अफ्रीका का देश है, इसका नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो लगभग 2 डेकेड से ज़्यादा, 20 साल से ज़्यादा जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे, अब बने हैं नए एमरसन मनानगागुआ। कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नेस्थाम एक स्कीम शुरू करी है जिसमें जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें 1,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? युवा नेस्थाम स्कीम शुरू करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कितनी महिला जज होंगी पहली बार भारत के इतिहास में? पहली बार भारत के इतिहास में 3 महिला जज होंगी। इंदिरा बनर्जी जो अभी अभी बनी हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। और आर भानुमति भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में महिला जज हैं इस वक्त, और इंदु मल्होत्रा भी हैं। इंदु मल्होत्रा ये पहली वकील थी जिन्हें सीधा एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। और 22 मेल जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। विनीत सरन ये उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब नहीं है याद रखिए, और ये अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। इंदिरा बनर्जी बन गई हैं और के एल जोसेफ ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जज बने हैं, विनीत सरन, इंदिरा बनर्जी और के एल जोसेफ। और इंदिरा बनर्जी अगर हम पूछें भारत के इतिहास में तो सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज हैं ये। अभी 3 हैं सुप्रीम कोर्ट में जज जो प्रेजेंट हैं वो 3 हैं और इंदिरा बनर्जी 8वीं हैं। तो आर भानुमति और इंदु मल्होत्रा के साथ ये इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगी, पर इनसे पहले 5 और बन चुके हैं। पहली थी फातिमा बीवी, फिर सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई। लोकसभा ने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पास करा है। भारत में किस राज्य में बनेगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ये बनेगी मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पे लोकटक झील है, यहाँ पे एक करांग आइलैंड है जो भारत का पहला कैशलेस आइलैंड बना है। और मणिपुर में एक गांव है लीजांग, ये भारत का आखिरी गांव है जिसमें बिजली पहुंची है। अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से आयोग को प्रदान करने के लिए 123वां अमेंडमेंट बिल पास हुआ है? याद रखिए जो GST था वो था 122वां अमेंडमेंट बिल और 101वां अमेंडमेंट एक्ट। अधिनियम था 101वां, बिल था 122वां। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसको संवैधानिक स्टेटस देने के लिए 123वां संशोधन हमारे संविधान में पारित हुआ है। इनके अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष हैं वंगला ऐश्वर्या। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों का आयोग जो है उसके हैं सैयद बहरुल हसन रिजवी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के हैं रामशंकर कथेरिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के हैं नंद कुमार साई।
हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री पूछे तो वो है ज्वाल ओरम। कौन से मंत्रालयों ने मिलकर साथी इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है? साथी योजना शुरू करी है कपड़ा मंत्रालय और बिजली मंत्रालय ने, टेक्सटाइल एंड पावर। पावर मंत्री हैं आर के सिंह और टेक्सटाइल कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी। साथी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये तीन कंपनियां हैं लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियन। ये कौन से देश की कंपनियां हैं? अमेरिका। ये वो कंपनियां हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं, जैसे लड़ाकू विमान, लड़ाकू जहाज, बंदूकें वगैरह। तो इनके नाम याद रखिए, ये तीनों अमेरिका की हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियन। अभी एक कंपनी चल रही है जिससे हमने रफाइल प्लेन खरीदने का निर्णय लिया था, लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इस पे। तो रफाइल हम खरीदने वाले थे डसॉल्ट कंपनी से, और डसॉल्ट जो है ये फ्रांस की कंपनी है। एक और कंपनी फ्रांस की याद रखिए, एयरबस। एयरबस भी फ्रांस की कंपनी है। एक कंपनी न्यूज़ में आई थी, आईकिया। आईकिया कंपनी एक फर्नीचर की कंपनी है, इन्होंने हैदराबाद में अपना स्टोर खोला है बहुत बड़ा। तो आईकिया कंपनी जो है ये स्वीडन की कंपनी है। कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश के किस जिले में खाया जाता है? इसको भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। ये मध्य प्रदेश के झबुआ में खाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी ये खाया जाता है। आपको बताना है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती, कौन बना वर्ल्ड चैंपियन? वर्ल्ड चैंपियन बनी कैरोलिना मारिन, ये स्पेन की है, इन्होंने पीवी सिंधु को फाइनल में हराया। नोजोमी ओकुहारा जापान की खिलाड़ी है। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है? यह स्टेशन है मुगल सराय। और रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम पलट के रख दिया गया है सोनभद्र, सोनभद्र। इसके अलावा जो बरेली का एयरपोर्ट है उसका नाम उत्तर प्रदेश की सरकार रखना चाहती है नाथनगरी, नाथनगरी। और आगरा एयरपोर्ट का नाम पलट के भी ये करना चाहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट का नाम। इसके अलावा कानपुर में एक चकेरी एयरपोर्ट है, उसका नाम ये पलट के रखना चाहते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन सा चाइना का शहर है जहाँ पे अभी एक तूफान आया जिसका नाम है जोंगदारी? एक्चुअली दो तूफान आए यहाँ पे, एक जोंगदारी और दूसरा एमपिल, AMPIL। ये शहर है शंघाई। इससे पहले आगे बढ़ूँ आपको बता दूँ भारत कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेंबर है। भारत सार्क का मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। कॉमनवेल्थ का मेंबर है भारत, G20 का है, बिम्स्टेक का है, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का है, नॉन अलाइन मूवमेंट IBSA, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका तीन देश हैं इसमें IBSA में। ईस्ट एशिया समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट। किन का नहीं है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नहीं है, G7 का नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के जो पांच परमानेंट मेंबर हैं उनमें भारत नहीं है, आसियान का भारत मेंबर नहीं है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है इंडोनेशिया की राजधानी में, इन सब का नहीं है। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता महिलाओं का? हॉकी वर्ल्ड कप जीता नेदरलैंड, नेदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। कुछ चीज़ें याद रखिए, सबसे ज़्यादा गोल मारे नेदरलैंड की खिलाड़ी किटी वैन मेल ने, बेस्ट प्लेयर रही लिडविज वेल्टन, ये भी नेदरलैंड की हैं। नेदरलैंड 8वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बना, इन्होंने फाइनल में हराया आयरलैंड को, और थर्ड प्लेस मिला था स्पेन को। कौन सा राज्य है जिसने गऊ रक्षकों को पहली बार आइडेंटिटी कार्ड देने का निर्णय लिया है और अब इन्हें गऊ संरक्षक बोला जाएगा? ये डिसीजन लिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उत्तराखंड की नई गवर्नर बनी है बेबी रानी मौर्य, के पॉल के बाद। 21 राज्य भारत के, उनमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है वो किसमें है, यानी स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स को किसने टॉप किया? पहले गुजरात था, लेकिन अब गुजरात तीसरे नंबर पे खिसक गया है। पहले नंबर पे रहा दिल्ली, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे गुजरात। कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू करी है? इस योजना को शुरू करा है बिहार की सरकार ने। इसमें कई प्रावधान हैं, जैसे लड़की अगर 12वीं क्लास पास करती है तो उसे 10,000 रुपये मिलेंगे, अगर स्नातक हो जाती है ग्रेजुएट तो उसे 25,000 मिलेंगे, लड़की पैदा होते ही माँ बाप को 2,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह की स्कीम है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कुछ मैं आपको योजनाएं बताता हूँ और कहाँ से लॉन्च हुई वो भी याद रखिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा था मध्य प्रदेश के रामनगर से। आयुष्मान भारत के तहत जो पहला हॉस्पिटल बना था जिसको बोलते हैं वेलनेस सेंटर, ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में बना था। और आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपये एक परिवार को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा एक साल में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च करा था प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ से, ये लखनऊ को जोड़ेगा गाजीपुर से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
आजमगढ़ होता हुआ जाएगा, लेकिन लॉन्च हुआ था, उद्घाटन इसका हुआ था आजमगढ़ में, प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। पोषण अभियान झुंझुनू राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। और बाण सागर परियोजना जो 3 राज्यों को फायदा पहुंचाएगी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये मिर्जापुर से प्रधानमंत्री मोदी ने ही लॉन्च करी है। बाण सागर परियोजना का जो बांध बनेगा वो बनेगा मध्य प्रदेश के शहडोल में। कौन से राज्य की सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? श्योर नहीं, और साथ साथ हॉर नॉट ओके जागरूकता अभियान शुरू करा है। हॉर नॉट ओके ये शुरू करा है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा और सिंबल बरा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुष्प क्रांति योजना भी शुरू करी है फूलों की खेती के विकास के लिए। शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च करी है महिलाओं की सेफ्टी के लिए, और गुड़िया हेल्पलाइन लॉन्च करी है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा श्रावती वैली, क्योंकि पिन वैली की बात हो रही थी तो पिन वैली तो है हिमाचल प्रदेश में, श्रावती वैली कर्नाटक में है। यहां पे नदी बहती है श्रावती जो जॉग फॉल बनाती है। लखारी वैली है उड़ीसा में, न्योरा वैली है वेस्ट बंगाल में, टैली वैली है अरुणाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली है केरल में, कांगड़ वैली छत्तीसगढ़ में, और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। इसरो का सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा होगा? और ये नवंबर 30 को लॉन्च होगा। इसका नाम है जी सैट इलेवन। इसरो के चेयरमैन है के सिवान। कौन से राज्य के हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें जानवरों का उपयोग नहीं होगा? ये कहा है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जो जानवर हैं उन्हें लिविंग एंटिटी डिक्लेयर किया था, यानी जानवरों को उतने ही अधिकार हैं जितने किसी ह्यूमन बींग को हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में एक 4.5 किलोमीटर लंबी सिल क्यारा बैंड बारकोट सुरंग बन रही है जो यमुनोत्री का सफर कम कर देगी 20 किलोमीटर से। धरासू से यमुनोत्री के बीच जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर कम कर देगी सिल क्यारा बैंड बारकोट सुरंग। उत्तराखंड में 60 मेगावाट क्षमता का नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बन रहा है। और रिस्पाना नदी में ट्री प्लांटेशन ड्राइव यानी कि एक वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ था रिस्पाना नदी के किनारे। कौन सा राज्य है जिसने दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट जहां पे बन रहा है, दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट बन रहा है? अगेन आंध्र प्रदेश में। और गेमिंग यूनिवर्सिटी यूनेस्को के साथ मिलकर, वो भी आंध्र प्रदेश में, युवा नेस्थम योजना भी आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश ने अभी अन्ना कैंटीन शुरू करी है सस्ता भोजन देने के लिए। गूगल ने एंड्रॉयड 9 लॉन्च करा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस बार टेनिस के जो टूर्नामेंट हुए जिन्हें बोलते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम, वो किसने जीते महिलाओं में? कैरोलिन वोज्नियाकी डेनमार्क की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता इस साल। सिमोना हेलेप ने फ्रेंच ओपन जीता, ये रोमानिया की हैं। और एंजेलिक कर्बर, इन्होंने विंबलडन जीता, ये जर्मनी की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो मेन सेक्शन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता रॉजर फेडरर ने, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन को जीता राफेल नडाल ने, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और विंबलडन को जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। गोवा की सरकार ने एक अपनी खुद की मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस शुरू करी है, जैसे ओला और उबर होती है वैसे ही, लेकिन ये गोवा सरकार की खुद की है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है गोवा माइल्स। ओला कंपनी के सीईओ हैं भावीश अग्रवाल, और उबर कंपनी के सीईओ हैं दारा खोसरोव शाही। बस ऐसे याद रख लो दारा। दुनिया का सबसे बड़ा एक पक्षी का जो मूर्ति है, इसका नाम है जटायु स्कल्पचर, ये कौन से राज्य में उद्घाटन किया गया? दुनिया की सबसे बड़ी किसी भी पक्षी की मूर्ति है ये केरल में बनी है। यूनाइटेड नेशंस ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग है, यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका चीफ किसे बनाया है? इसके चीफ बने हैं मिशेल बेशेले, और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं चिले। और आपको बता दूं, जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, इससे अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया है, अमेरिका अब इसका मेंबर नहीं है। हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे हम अपने निर्यात से संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो हमारे जो मंत्री हैं वाणिज्य मंत्री, वो हैं सुरेश प्रभु, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। इसका नाम रखा है निर्यात मित्र। सरकार ने TRAI का चेयरमैन किसे बनाया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगले 3 साल के लिए। इनका नाम है राम सेवक शर्मा। और सुभाष चंद्र खुंटिया हैं IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अजय त्यागी हैं सेबी के चेयरमैन। इनमें से राज्यसभा का उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन कौन बना है? इनकी पार्टी है JDU जनता दल यूनाइटेड। इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। कौन सा बायोस्फेयर रिजर्व है भारत का, जो 11वां बायोस्फेयर रिजर्व बना है जिसे यूनेस्को ने
अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जगह दी है। इसका नाम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा हाई कोर्ट है जिसने यह कहा है कि भीख मांगना अपराध नहीं है, उसको क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया है? यह कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कौन से 400 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन हैं जिनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ये कीनिया के हैं। इनका नाम था निकोलस बेट। निकोलस बेट। इनमें से कोलंबिया के 60वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है। इनका नाम है इवान डुक। एक अभी संचार अभ्यास हुआ जिसका नाम है पैसिफिक एंडेवर। ये कौन से देश में हुआ? ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है। ये हुई नेपाल में। नेपाल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है अरुण 3, जिसके लिए ऋण देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको बनाने वाली कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम SJVN। इसके अलावा रक्सौल बिहार में है, वहां से लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू तक एक ट्रेन भी चलेगी। एक चावल है बोका सोल। ये ऐसा चावल है जिसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ भिगो के खा सकते हैं। इस चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। ये कौन से राज्य में खाया जाता है? ये असम का चावल है बोका सोल। अभी जो एशियन गेम चल रहे हैं ये खत्म होंगे, 2 सितंबर को खत्म होंगे, अभी तो टाइम है। इनमें भारत का ध्वजवाहक कौन था ओपनिंग सेरेमनी में? ये जैवलिन फेंकते हैं, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, इन्होंने कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को धर्म चक्र दिया है, धर्म चक्र गिफ्ट करा है? इन्होंने गिफ्ट करा है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को, और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। कौन सी भाषा है जो पहली भारत की जनजातीय भाषा यानी ट्राइबल लैंग्वेज बनी है, जिसका अपना विकिपीडिया संस्करण आ गया है? ये भाषा है संथाली, संथाली भाषा। और पहला भारत का जो ट्राइबल एटलस है वो लॉन्च करा है उड़ीसा की सरकार ने। भारत के राष्ट्रपति ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना कौन से राज्य में शुरू करी है? ये शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, और इसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, तो हर जिले का एक उत्पाद उसकी मार्केटिंग करी जाएगी जिससे उसका ज़्यादा दाम मिल सके। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है जिससे एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और कोस्टल रेगुलेशन जोन के क्लियरेंस मिल जाएंगे। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है परिवेश। अर्जेंटीना ने कोटे फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, इन्होंने कौन सी कंट्री को हराया? इन्होंने रशिया को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन करा कौन से राज्य में? डिफेंस गलियारा बन रहा है, रक्षा गलियारा ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसमें 6 उत्तर प्रदेश के जिले होंगे इसका हिस्सा, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी। नासा सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक पार्कर सोलर प्रोब कर रहा है। ये पार्कर नाम किसके नाम पे रखा है? ये रखा है डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पे। और भारत सूर्य के को स्टडी करने के लिए जो मिशन भारत ने चलाया है वो है आदित्य L1। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया? इन्होंने किताब लिखी जैसे हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, बैंड इन द रिवर इत्यादि। इनका नाम था VS नायपॉल। भारतीय मूल के थे पर इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। इनमें से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का चेयरमैन कौन बना है? ललिता कुमार मंगलम थी पहले, उनकी जगह ली रेखा शर्मा ने। भारतीय आर्मी जो है उन्होंने केरल में जो बाढ़ आई हुई है उसमें लोगों की मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू करा है? भारतीय आर्मी का मिशन है उसका नाम है सहयोग, भारतीय थल सेना का। और इंडियन नेवी का जो मिशन है उसका नाम है मदद। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से चाइना ने 10 लाख लोगों को बंदी बना लिया है। ये कौन से धर्म के हैं? ये उइघुर मुसलमान हैं, उइघुर मुस्लिम। सो ये था हमारा वीडियो, पार्ट 1 है, लेकिन ये तो सिर्फ पार्ट 2 के 100 क्वेश्चन आएंगे तुरंत इसके बाद, मतलब 31 तारीख तक तो वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि 31 तारीख तक बाकी महीना पूरा हो जाएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आपको बता दूं StudyIQ के ये फ्री कोर्स था लेकिन पेड कोर्सेज भी आते हैं। अगर आप उनकी कोई भी जानकारी चाहते हैं या इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।